वेलकम बैक। केनेडा में चार लोगों ना मौत अंगे केनेडा में वसता गुजराती समाजे प्रार्थना सभा नु आयोजन कर्यु छे। मृतकों की आत्मा ने शांति मळे ते माटे श्रद्धांजलि आपवा प्रार्थना सभा नु आयोजन करवामां आव्यु। जो कि मृतकों कोण छे तेनी कोई पुष्टि नथी थई अने न्यूज 18 पण आ अंगेनी कोई पुष्टि नथी करतु, परंतु केनेडा में वसता गुजराती लोकोए आ प्रार्थना सभा नु आयोजन कर्यु छे। तो केनेडा में वसता गुजराती लोकोए गुजराती मृतकों ने माटे प्रार्थना सभा आयोजन कर्यु छे। केनेडा अमेरिका सरहद पर हाड़ थीजवती ठंडी में चार गुजरातीओं मृत्यु थया छे, जेने लई अने केनेडा में प्रार्थना सभा आयोजन करवामां आव्युं छे, परंतु आ मृतकों अंगे न्यूज 18 कोई पुष्टि नथी करतु। तो मृतकों आत्मा ने शांति मळे ते माटे श्रद्धांजलि आपवा माटे केनेडा में वसता गुजराती लोकोए आ प्रार्थना सभा आयोजन कर्यु छे। जो कि मृतकों कोण छे ते अंगे न्यूज 18 कोई पुष्टि नथी करतु, परंतु केनेडा में वसता गुजराती लोकोए आ प्रार्थना सभा आयोजन कर्यु छे। केनेडा अने अमेरिका जेवा देश में सेटल थवानी आंधळी दोट चार लोकोना मृत्युनु कारण बनी छे। अने केनेडा अने अमेरिका सरहदे -35 डिग्री में जे लोको थीजी गया अने ते लोकोना मृत्यु थया छे अने ते चारेय लोको गुजराती होवानी चर्चा छे। केनेडाना स्थानिक मीडिया में गैरकायदे सरहद पार करवानी लाह में आ परिवार मौत ने पेट्यो। केनेडा अमेरिका बॉर्डर ज्यांथी 19-20 जान्युआरीए एक पुरुष, महिला, एक तरुण अने नवजात बाळकीनो मृतदेह मळी आव्या। अमेरिकाना मिनेसोटा राज्यनी सरहद नजीक केनेडाना इमर्सन विस्तारमांथी आ चारे मृतदेह मळ्या। आ विस्तारमां हाल -35 डिग्रीथी लईने -41 डिग्री तापमान छे अने आ चारे लोकोना मौत अतिशय ठंडीथी ठूंठवाई जवाना कारणे थया। કેનેડાના સ્થાનિકોનો દાવો છે કે ચારેય મૃતકો ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરતા હતા, આથી ચારેય ગુજરાતી હોવાની ચર્ચાએ વેગ પકડતા ગુજરાતમાં ખળભળાટ મચી ગયો। સૌથી પહેલા તો એવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું કે કલોલના ડિંગુચા ગામના પરિવાર સાથે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ ડિંગુચા ગામ પહોંચી ગામના સરપંચના દાવા પ્રમાણે અહીંના એક પરિવારનો છેલ્લા કેટલાક સમયથી સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો। સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાત। નમસ્કાર।